हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष, आपको स्वागत है टेक मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में फॉर्म 15G भरने का सही तरीका क्या है और फॉर्म 15G कब भरना चाहिए आपको और फॉर्म 15G भरने के लिए क्या कंडीशन होती है, जिन कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको स्टेप बाई स्टेप। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, ये है फॉर्म 15G। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप फॉर्म 15G डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और आपका TDS कट रहा हो, उस कंडीशन में आप फॉर्म 15G भरते हैं, जिससे आपका TDS ना कटे। फॉर्म 15G भरने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर वन, जिस साल आपने टैक्स जमा किया है उस साल आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते हैं। कंडीशन नंबर टू, आपकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए। कंडीशन नंबर थ्री, आपकी एस्टिमेटेड इनकम 2,50,000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। अगर आप इन कंडीशन को पूरा करते हैं तभी आपको फॉर्म 15G भरने का बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म 15G मैंने ऑलरेडी भर लिया है, जिससे हमारा टाइम बचे। आपको फॉर्म 15G के फर्स्ट नंबर कॉलम में नेम लिखना है, नंबर दो में आपको पैन की डिटेल फिल करना है, नंबर थ्री में स्टेटस इंडिविजुअल लिखना है, नंबर फोर में मैंने प्रीवियस ईयर 2020 और 21 लिखा है। अगर आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 2020 और 21 लिखना है प्रीवियस ईयर में। अगर आप 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में फिल करते हैं फॉर्म, तब आपको प्रीवियस ईयर में 2021 और 22 लिखना है। नंबर पाँच में आपको रेजिडेंट लिखना है। नंबर सिक्स से लेकर 12 नंबर तक आपको अपना एड्रेस फिल करना है। नंबर 6 से लेकर 12 तक आपको अपना एड्रेस फिल करना है। 13 नंबर में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कॉलम ये। 14 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। 15 नंबर में आपको ए और बी दो ऑप्शन दिए हैं। ए में ये पूछ रहा है लास्ट के 6 ईयर में आपने कोई भी इनकम टैक्स जमा किया है। अगर आपने किया है तब आपको यस वाले कॉलम में यस लिखना है या फिर आप राइट का टिक लगाएंगे। बी में ये पूछ रहा है इफ़ यस, अगर आपने टैक्स जमा किया है तो आपको लास्ट ईयर का मतलब लेटेस्ट वाला जब आपने टैक्स जमा किया था वो ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हमारी कंडीशन में मैंने कोई भी टैक्स जमा नहीं किया है, इसलिए मैंने नो लिखा हुआ है यहाँ पर। 16 नंबर में आपको यहाँ पर वो डिक्लेरेशन अमाउंट लिखना है जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं। अगर आप पीएफ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको पीएफ का अमाउंट लिखना है जितना आप पीएफ निकाल रहे हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको वही अमाउंट लिखना है जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का शेयर है, इसमें आपको पेंशन ऐड करके नहीं लिखना है। 17 नंबर में आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम पूछ रहा है प्रीवियस ईयर की, मतलब अगर आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आप कितनी अनुमानित इनकम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो आपने अमाउंट 16 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है उसे ऐड करके, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एस्टिमेटेड इनकम का मतलब होता है अनुमानित, लगभग आप इतनी इनकम कर सकते थे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो आप एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पर लिखेंगे वो आपकी 2,50,000 या फिर उससे कम ही होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म 15G भरने का बेनिफिट मिलेगा। 18 नंबर में पूछ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फिल्ड, मतलब अगर आपने इससे पहले कोई भी फॉर्म 15G फिल किया है और कितने फॉर्म फिल किए हैं, वो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है कि आपने फॉर्म 15G 2, 4, 5, 6 जितने भी फिल किए हैं वो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, जितने फॉर्म आपने फिल किए हैं। इसके आगे यहाँ पर आपको वो अमाउंट लिखना है, जितने भी आपने फॉर्म 15G फिल किए हैं उन फॉर्म में आपने एस्टिमेटेड इनकम कितना कितना लिखा था, वो सारा टोटल करके आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। अब चलते हैं 19 नंबर पॉइंट पर। यहाँ पर आपको ईओ नंबर फिल करना है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपना पीएफ नंबर भी लिख सकते हैं या फिर ईओ नंबर पीएफ नंबर दोनों भी लिख सकते हैं।
नेचर ऑफ इनकम में आपको इफ़ ये विड्रॉल लिखना है, यहाँ पर आपको सेक्शन अंडर के अंदर 192A फिल करना है। अमाउंट ऑफ इनकम में यहाँ पर मैंने 60,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको वही अमाउंट फिल करना है जो अमाउंट आपने 16 नंबर कॉलम में किया है। 16 नंबर कॉलम का अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है अपने, और यहाँ पर आपसे पूछा है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, मतलब जो आपने ऊपर डिटेल इस फॉर्म में फिल किया है वो करेक्ट है, सही है, इस चीज़ की डिक्लेरेशन आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रीवियस ईयर एंडिंग, इसमें आपको फिल करना है 31 मार्च 2021, ये आपको तब लिखना है यहाँ पर जब आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में फॉर्म 15G फिल कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर 31 मार्च 2021 लिखना है। रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर में 2021 और 2022 आएगा। सेम इसी तरीके से उसने नीचे आपको लिखना है प्रीवियस ईयर एंडिंग में सेम वही डेट आएगी जो आपने ऊपर लिखा था 31 मार्च 2021, और असेसमेंट ईयर में 2021 और 2022 लिखना है आपको। यहाँ पर आप अपना प्लेस लिखिए और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, यहाँ पर आप सिग्नेचर। नीचे आपको मिलेगा पार्ट नंबर टू, ये वाला फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ पार्ट नंबर वन ये वाला फिल करना है और इसी का आपको फोटो अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में फॉर्म 15G भरने का सही तरीका मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।